गाइस एजी व्लॉग्स इज बैक हियर और अभी चल रही है नवरात्रि, तो आज है सेकेंड डे, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आज हम लोग जा रहे हैं मैहर, तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8, तो निकलते हैं, चलते सीधा। बाय। तो हम आ चुके हैं मैहर। तो चलते हैं अब सीधा मंदिर। तो अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर शारदा माता के मंदिर मैहर में। तो अब यहाँ पे आरती के लिए वेट करना है हम लोग को 30 मिनट्स, फिर उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे वापस। यहाँ से हम लोग आए थे रोप वे से ऊपर, और अभी हम लोग थोड़े वेट करते हैं फिर चलते हैं मंदिर में। आप जब तक ड्रोन शॉट्स इन्जॉय कीजिए। मैहर यानी माई का हार, माता का मंदिर। मैहर से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर मध्य पे स्थित है। माता हमेशा ऊंची जगह पर ही रहा करती है। जैसे दर्शनार्थी दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर से चलकर वैष्णो देवी में ऊपर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी दर्शनार्थी मैहर माता के शारदा माता के दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर से पैदल चलकर पद यात्रा करके अपनी माता के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। जो पीड़ा का पर्वत रास्ता रोके खड़ा है तेरी ममता। मैहर के मंदिर आने का 2 रास्ते हैं, या तो आप सीढ़ियों के रास्ते आ सकते हैं जो कि 1006 सीढ़ी हैं उनको पार करके, और अधिकतर दर्शनार्थी इसी से आते हैं जो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, और या तो आप दूसरा रोप वे का भी रास्ता अपना सकते हैं। अगर आप बुज़ुर्ग हैं या आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो आप इससे भी आ सकते हैं।
मैहर, मैहर जिसे माइकाहार कहा जाता है, उसमें ऊपर मध्य में श्री शारदा माता जी और हनुमान जी, काल भैरव व अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि आला और उदल, जिनने पृथ्वीराज जी से युद्ध किया था, वह भी इनके बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसा मान्यता है कि माता ने इनको अमर का वरदान दिया था, तो ये आज भी यहाँ आया करते हैं और दर्शन करके जाया करते हैं। सूरज तू कैसे कर दे अंतर मन में सवे तो दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं वापस नीचे, और यहाँ पे हम लोग अभी आए हुए हैं काल भैरव जी के मंदिर, जो मैहर के मंदिर के जस्ट पीछे पे है। तो यहाँ पे बहुत भीड़ है, क्योंकि आज नवरात्रि का सेकंड डे है, तो सब दर्शन करने आए हुए हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधा नीचे। आते हैं पीछे वाला वे, मैं तो अभी ऊपर से आ चुका हूँ, वापस रास्ता दिखाने आया हूँ। यहाँ तक गाड़ी आती नहीं है, वैसे सिर्फ VIP एक्सेस है यहाँ तक, हम लोग की गाड़ी यहीं पे खड़ी है पीछे। तो ये है रास्ता ऊपर जाने का रोप वे से, हम लोग यहाँ से गए थे, वहाँ पे रोप वे उससे ऊपर जाते हैं। तो यार अब जा रहे हैं हम लोग वापस माई की रसोई, खाना खाएंगे, ये हमारी खड़ी गाड़ी, यहाँ से जाते हैं। वहाँ से VIP एक्सेस था, वहाँ से है रास्ता, ये तो हम लोग पार्किंग में खड़े। तो ये हम आ गए हैं माई की रसोई, तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर आपको कुछ स्पेशलिटीज़ बताता हूँ यहाँ की।
आ चुके हैं माई की रसोई, हमारा खाना आ गया है। अब जल्दी से करते हैं इसको फिनिश, फिर आपको मिलते हैं और आपको बताते हैं कैसा था एक्सपीरियंस। 3 2 1 गो। यार अभी हम लोग निकल चुके हैं माई की रसोई से। यार बहुत टेस्टी खाना था, और मेन बात तो ये फ्री है सबके लिए, तो आप अगर मैहर आएँ तो यहाँ आ सकते हैं, बहुत टेस्टी खाना रहता है यहाँ। यार अब निकलते हैं यहाँ से, सीधा जबलपुर मिलते हैं। तो गाइज हम लोग वापस आ गए हैं जबलपुर। जबलपुर से मैहर का डिस्टेंस 170 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम लोग को जाने में 3.5 घंटा लगा होगा, और फिर मेन टेंपल जाने में थोड़ा सा और टाइम लगता है क्योंकि भीड़ बहुत है। अभी नवरात्रि चल रही है, सेकेंड डे पे गए थे हम लोग नवरात्रि के, तो बहुत ज़्यादा रश भी था और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, और हम लोग के साथ 2 मिनिस्टर्स थे तो काफ़ी अच्छे से एक्सेस हो गया था हम लोग ऊपर तक। तो सिक्योरिटी भी टाइट थी इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया, पर आपको आरती देखने मिली होगी। तो आप लाइक कमेंट और शेयर करके जाना, बहुत दिन बाद अपलोड किया है, शेयर भी कर देना। टाटा बाय बाय।